नवसारीना कांग्रेसना उम्मेदवार नैशद देसाईना प्रचार माटे मुमताज पटेल सूरत पहोंच्या हता। ज्यां तेमणे मीडिया साथेनी वातचीत करता भरूच बैठक पर कांग्रेसना उम्मेदवारनी टिकिट न मळवानुं दुःख पण व्यक्त कर्युं हतुं। आ उपरांत तेमणे चेतर वसावा बाबते निवेदन आप्युं हतुं के गठबंधन समये चेतर वसावा मळवा आव्या हता, त्यारबाद तेमणे समर्थन मांग्युं नथी अने हुं अत्यारे मात्र कांग्रेस पार्टीना उम्मेदवारोनो प्रचार करी रही छुं। हवे प्रचारमां मात्र बे ज दिवस बाकी रह्या छे त्यारे मारुं शेड्यूल बनी चूक्युं छे, हुं भरूचमां प्रचार नहीं करी शकुं। नवसारी कांग्रेसना उम्मेदवार नैशद देसाईना प्रचार माटे कांग्रेस नेता अहमद पटेलना दीकरी मुमताज पटेल सूरत पहोंच्या हता, ज्यां तेमणे मीडिया साथेनी वातचीत दरमियान केन्द्र सरकार पर आकरा प्रहारो पण कर्या हता। मुमताज पटेल द्वारा कहेवामां आव्युं हतुं के लोकोमां आक्रोश छे अने लोको परिवर्तन ईच्छी रह्या छे, तेनाथी एवुं लागी रह्युं छे के अमारी सीटो गुजरातमांथी आवशे, केटली सीट आवशे ते हुं नहीं जणावी शकुं। नाराजगी बाबते मुमताज पटेल द्वारा प्रतिक्रिया आपता जणाववामां आव्युं हतुं के जो हुं मारी पार्टीथी नाराज होत तो ज्यारथी इलेक्शन जाहेर थयो छे त्यારથી પાર્ટીને ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરતી નહીં હોત, ક્યારે એવો સમય નથી આવ્યો કે મેં કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ નિવેદન આપ્યું હોય, હું એમ જ કહું છું કે પાર્ટી જે નિર્ણય કરે છે તેને અમે અનુસરીશું। દુઃખ વ્યક્ત કરતા મુમતાઝ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભરૂચ બેઠક પરથી કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર લડવો જોઈતો હતો। આઝાદી પછી ભરૂચમાં પહેલી વખત એવું બનશે કે ભરૂચમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારને વોટ કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નહીં હોય। ગઠબંધનના કારણે આ થઈ રહ્યું છે અને જે પ્રકારની ઇન્ડિયા ગઠબંધન આવ્યું છે તેને અમે સ્વીકારીશું અને પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ દ્વારા જે નિર્ણય કરાયા છે એ પણ અમે સ્વીકારીશું। ચેતર વસાવા બાબતે મુમતાઝ પટેલે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે હું કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે ત્યાં જ પ્રચાર કરી રહી છું। અલાયન્સ ઉમેદવારો માટે હું હાલ પ્રચાર કરી રહી નથી, હવે પ્રચારમાં માત્ર બે દિવસ બાકી રહ્યા છે, પરંતુ મારા શેડ્યુલ અનુસાર હું ભરૂચમાં પ્રચાર નહીં કરી શકું। ચેતર વસાવાએ પણ મને હજુ સુધી બોલાવી નથી અને જે જગ્યા પર ઉમેદવારોએ બોલાવી છે ત્યાં હું જઈ રહી છું। હું સૌથી પહેલાં મારી પાર્ટીના ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપી રહી છું। ગઠબંધનની જ્યારે વાત થતી હતી ત્યારે ચેતર વસાવા મને મળવા આવ્યા હતા। ચેતર વસાવા દ્વારા પણ મને હજુ સુધી પ્રચારમાં બોલાવવામાં આવી નથી। મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી સારું કામ કરી રહી છે એટલે કદાચ એમને જરૂર નહીં હોય। ભરૂચમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારને કોંગ્રેસ પણ સપોર્ટ કરી રહી છે, પરંતુ હું અત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોનો જ પ્રચાર કરી રહી છું। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। वो तो 4 जून को पता चलेगा, प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, पर ज़मीन पे जो आक्रोश देख रही हूँ और देख रही हूँ कि जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग को यही समझ आ रहा है कि ज़रूर हमारी सीटें आएंगी यहाँ से। वो मैं नहीं बता सकती, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, नाइदर एम आई अ सर्वेयर, सॉरी। अभी ममता जी सेटिस्फाइड है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज लग रही थी, क्या लग रहा है कि अब आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज़ हूँ? अगर नाराज़ होती तो पिछले एक महीने से, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर, वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। कहीं ऐसी टीस नहीं लगती कि पिताजी ने इतना कुछ समर्पित पिताजी ने समर्पित किया है? शायद मुझे वक्त लगेगा अपने आप को, अपनी काबिलियत प्रूफ करने का। पर ऐसा थोड़ा लगता नहीं है कि भाई थोड़ा तो इमोशनल ही देना चाहिए? इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा, पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस हैं और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है, तो हम लोग वो जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। मैडम, अभी सब नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो यूपी में एक नेता ने ऐसा बयान किया है कि बहुत जिहाद का कहर आ गया, ये कितना उचित है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है एक इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है
वो शायद यही बोलना चाहेंगे जो मैं समझती हूँ कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। ममता जी, चुनाव से पहले 5 बिलियन 3 बिलियन की बात हो रही थी, जैसे चुनाव आए मंगलसूत्र पर आ गए, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज समझ सक आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के अगर इतना तरक्की देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया है और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम लीग, इन सब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? चुनावी बयानबाजी में अक्सर चीज़ें कह दी जाती हैं। मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप से कहूं तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, यही कहूंगी। महात्मा गांधी जी हमारे देश के क्या दुनिया के सबसे एक टॉल लीडर रहे हैं जिनको दुनिया में सम्मान मिलता है। राहुल जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी जगह, और महात्मा गांधी जी बिल्कुल अपनी जगह। जयदर बसावा के लिए कितना आप वोट करेंगे, जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं? इस वक्त हाल में अगर आप सही मायने से पूछें तो मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूं। अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊं। करेंगे, अभी मैच 2-3 भी नहीं बचा, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम इस वक्त सेट है। तो आज भी मुझे बुलाया गया था भरूच में इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम है, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक हफ्ते से बारडोली में प्रोग्राम सेट था, तो मैं सिद्धार्थ चौधरी जी के लिए वहाँ जा रही हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ पता नहीं, कल शायद मेरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बड़ौदा वलसाड, यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेट हुए हैं पीसीसी की तरफ से। मतलब आप चेतर बसावा के लिए रूबरू जाकर प्रचार नहीं कर रहे? चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है, जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है, और ज़्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आए हैं हमारे घर पे, इनफैक्ट अलायंस की जब बात हुई थी तो उससे 1-2 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया था और मिलना चाहते थे, पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैं भरूच गई नहीं, और पिछले हफ्ते गई थी, पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी। उन्होंने आपसे सहयोग मांगा कि आइए प्रचार के लिए? नहीं, अभी तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। क्या लगता है, नहीं बुलाया? अब वो उनको शायद ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो शायद ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर बुलाएंगे और मेरे पास वक्त होगा तो ज़रूर जाऊँगा। कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार कर पाएगी वो? जी, कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा प्रचार आम आदमी पार्टी कर पाएगी? कर रही है कांग्रेस भी, कांग्रेस उनका काफ़ी समर्थन कर रही है, हमारी DCC PCC पूरी साथ में लगी हुई है। नहीं, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, पर मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही हूँ। आप वोट की अपील करेंगे कि चेतन बसावा को जिताएं? बिल्कुल करूँगी। और आप वोट भी देंगे? मैं भरूच की बेटी हूँ, पिरामन गाँव में मेरा वोट है, तो मैं 7 तारीख को वहाँ बिल्कुल अपना जो वोट का अधिकार है वो पूरा करने जाऊँगी। ये सीक्रेट बैलेट होता है, पर जाहिर है इंडिया अलायंस कांग्रेस है हमारा, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत है क्या?